हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उसका जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। उसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स की, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है टी एस ग्रेवाल वाली बुक से। तो उसका क्वेश्चन की मैं जो आपको रीडिंग है वो कर रहा हूँ, 6 नंबर की। आशा, निशा, दिशा शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दे डिसाइडेड, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अबव ट्रांजेक्शंस क्या मतलब, तो ये हुआ कि ये जो बात करनी है हमने अबव चेंजेस का जो हुआ उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्किंग कैपिटल नोट में हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। नो डाउट, रेशो निकालने के साथ साथ हमें पहले यहाँ पे उसका फॉर्मेट बना के रख लेना है क्वेश्चन का, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम बना के रख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा इसका सीरियल नंबर या डेट, ये लेजर फोलियो और ये डेबिट क्रेडिट। ओके जी, ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। अब आ जाओ इसके लास्ट में, इसमें पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशो। वर्किंग नोट में हमें क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइजिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो नाम क्या है, आशा, निशा एंड दिशा। ठीक है जी, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ इधर इधर। इनकी ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो है इनकी 3:2:1 और न्यू रेशो कितनी है, 1:1:1, यही दिया ना हमें। हाँ जी, अब हमका इनका सैक्रीफाइस निकालना है। सैक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो सैक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू करके बनता है बच्चों, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा सैक्रिफाइस में पहले हम निकालेंगे आशा का, आशा का ओल्ड रेशो है 3:6 और न्यू रेशो है 1:3, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6:3 एंड ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 1:6 आ गया। ठीक है जी, तो अब दूसरे का फाइंड करेंगे हम, किसका, निशा का। तो निशा की अगर बात करें, निशा का ओल्ड कितना है 2:6 माइनस 1:3। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम 6:2 और ये अगेन 2 और इसका निल आ जाएगा। और उसके बाद किसका हमने कैलकुलेट करना है, दिशा का। दिशा का ओल्ड है 1:6 और न्यू कितना 1:3, एलसीएम कितना आ गया 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1-2 दैट इज -1:6, तो इसका गेन आ गया, इसका सैक्रिफाइस लिख लेंगे। तो आशा का सैक्रिफाइस है, ठीक है, और दिशा का गेन आ रहा है और निशा ना कुछ नहीं आएगा, ना इसका सैक्रिफाइस है ना इसका गेन है, ये निल आ गया। अब हम पास करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना बच्चों सिंपल है, 1 अप्रैल को ही एंट्री होगी। डेट मैं लिख रहा हूँ 2024 1 अप्रैल की अगर बात करें तो ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, गेन कौन कर रहा है, दिशा। तो यहाँ आएगा दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आशाज कैपिटल अकाउंट, आशाज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट। ठीक है जी, और जबकि देखो दोनों की रेशो 1:6 है, तो 18,000 को हम क्या करेंगे, 18,000 को 1:6 से डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 3,000 है ना, 6:3 = 8 और ये 3,000, दोनों को 3,000 ईच आ जाएगा, ये 3,000 और 3,000। तो अब अगर नीचे आंसर मिलाओ जो बुक में गिवन है हमें, वो क्या है, यही है आंसर। दिशा का कैपिटल को हमने डेबिट किया है और आशाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है 3,000 से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बना, क्वेश्चन का आंसर रहा 6। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। ये क्वेश्चन रहा हमारे सामने, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं तीन, उनकी रेशो 5:3:2। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट द इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशो गुडविल कितनी वैल्यू की जाएगी, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग 5 ईयर्स। तो प्रॉफिट पिछले 5 साल का ये गिवन है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। तो नेचुरली ये सारा क्वेश्चन का पार्ट आ गया। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें वही एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके ईयर्स लिखने हैं गुडविल के। तो ईयर्स कैलकुलेट लिखते हैं, यहाँ पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आएगा ईयर। ईयर कितना आएगा हमारे पास, 2031, 31, 21, 31, 22, 31, 23। ठीक है बच्चों, और उसके बाद 31, 3, 24 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 31, 3, 24 आ जाएगा ये साल से। चलो इसका प्रॉफिट कितना हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 70,000 का, और ये 75,000 का यहाँ पे। ठीक है जी, और इसका कितना आ गया, 55,000 आ गया, और इसका कितना आ गया, 35,000 आ गया, और इसका लॉस कितना, 10,000। ठीक है बच्चों, तो अब इसको प्रॉफिट सबको ऐड कर लो, वो हमारा टोटल आ जाएगा। तो 70,000 जमा 75,000 जमा 55,000 जमा 35,000 माइनस 10,000, तो ये कितना आ गया, 225,000। टोटल कितना आ गया बच्चों, 225,000 आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे एवरेज, ये लाइन लगा देते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 225,000 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 45,000। अब हम क्या करेंगे, जैसा उसने गुडविल कैलकुलेट करने को हमें बोला है वो कर देंगे। गुडविल कैसे फाइंड करनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी आ गई, 90,000। गुडविल बच्चों कितनी आ गई, 90,000। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सैक्रीफाइस गेन रेशो फाइंड करना है। तो पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई एंड जेड। एक स्टेप में तो हमने ये गुडविल फाइंड कर ली, अब दूसरे स्टेप में हमारा ये सैक्रीफाइस गेन रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये ऊपर वाला स्टेप हमारा पूरा हो गया। एक्स वाई जेड में यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ लाइन लगाई है ताकि आपको बता सकूँ स्टेप 1 क्या था और अब स्टेप 2 क्या है। ओके जी, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट किया है, आपको लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ओल्ड रेशो है 5:3:2, 5:3:2, और न्यू रेशो कितनी है बच्चों, न्यू रेशो वो कह रहा है इक्वल है 1:1:1। तो एक्स का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, एक्स का सेक्रीफाइस आएगा बच्चों 5/10 - 1/3। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या आ गया हमारा 30, ये आ गया 15 - 10, और ये 5/30, ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। वाई का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 3/10 - 1/3, तो ये क्या आ गया बच्चों 30, 9 - 10 - 1/30, और ये माइनस का आ रहा, तो ये गेन आ गया। इसका मतलब जी मैंने लिखा है गेन के लिए। और जेड का क्या आएगा, जेड का भी सेक्रीफाइस निकालने के लिए 2/10 - 1/3, 1/3, और ये 30 आ गया, 3 × 6 - 10, और ये -4/30, और अगेन इसका गेन आ गया। फॉर्मूला सेक्रीफाइस का ही लगाया है नो डाउट, बट जब वो साइन माइनस में आ जाता है तब हम उसको गेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट कैलकुलेट तो गुडविल से के साथ करना है, एक्स का सेक्रीफाइजिंग अमाउंट। एक्स का सेक्रीफाइजिंग अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 90,000 का 5/30, और वाई का गेनिंग अमाउंट आएगा। वाई का क्या आएगा बच्चों, वाई का गेनिंग अमाउंट आएगा। वाई का गेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 90,000 × 1/30, और जेड का गेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 90,000 × 4/30। तो अगर अब हम इसको करें 90,000 को 90,000 × 5/30, 15,000 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, 15,000। एक्स का सेक्रीफाइस आ गया 15,000। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा 90,000 × 30, ये आ गया इसका 3,000, इसका 3,000, और 4 × 3 = 12,000 इसका आ गया। तो इस अमाउंट्स में जर्नल एंट्री पास होगी। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है जी,
तो यहाँ पे आएगा जर्नल, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है जी। एंट्री के लिए ये फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री में ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, 2024 की एंट्री करनी है ना, 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने चेंज किया है, 2024 1 अप्रैल को हमारे पास सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स वाई और जेड को गेन हो रहा है। तो वाई इज़ कैपिटल, वाई कहे कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट, जेड के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट, टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को आ जाएगा 15,000, वाई के को आएगा 3,000 और ये 12,000। ये हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, स्टेप वन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें गुडविल फाइंड करनी थी, जो इस तरीके से उसने कहा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर से। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया बच्चों, सैक्रीफाइस गेन रेशो फाइंड कर ली। फिर हमने 90,000 जो गुडविल कैलकुलेट करी थी उसका सैक्रीफाइसिंग और गेनिंग अमाउंट निकाल लिया बाकी पार्टनर्स का, ओके बच्चों। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जर्नल एंट्री पास कर दी, सिंपल, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को रीड करने के लिए बुक को मैं सामने कर रहा हूँ आपके पास। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राम लक्ष्मण भरत उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है जी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड हुई है, 4.5 लाख, और गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स कितनी हुई है, 75,000। तो इस केस में बेटा जो वैल्यूड करी है गुडविल 4.5 लाख की, उसको हम सेक्रीफाइस गेन रेशियो में डाल देंगे और ये जो अपेयरिंग इन द बुक्स है ओल्ड रेशियो में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो मेन चीज़ फिर वही आई, हमें जर्नल एंट्रीज तो पास करनी है, साथ के साथ हमें क्या करना है बच्चों, उसकी सेक्रीफाइस गेन रेशियो भी निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ इस क्वेश्चन की और यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो नाम क्या है, राम लक्ष्मण और भरत, तो इनकी रेशियो है 5:3:2 और ये ओल्ड आएगी और न्यू कितनी है बच्चों, 1:1:1। तो राम का सेक्रीफाइजिंग अमाउंट कितना आया, 5/10 माइनस 1/30, 1/3 माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। तो ये 30 आ गया, ओके, ये 3 × 5 = 15 माइनस ये कितना आ गया, 10, और ये 5/30 करके आएगा सेक्रीफाइजिंग। और लक्ष्मण का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कितना आया, 3/10 माइनस 1/3, ठीक है, ये कितना गया, 30, 3 × 9 माइनस 10 और 1/30 गेन। और उसके बाद भरत गेन, ये आएगा 2/10 माइनस 1/3, ये आएगा 30, 3 × 6 माइनस 10 और ये आएगा 4/30 अगेन, इसका गेन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके अमाउंट तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 75,000 तो हमें क्या करना है, फुल रेशो ओल्ड रेशो में ख़त्म कर देना है, और ये 4.5 लाख की बात है। तो यहाँ लिखेंगे राम्स सेक्रीफाइसिंग अमाउंट, राम का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, 4.5 लाख को आपने 5/30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4.5 लाख इंटू 5/30, ये कितना आ गया, 75,000, ये कितना आ गया बच्चों, 75,000, ओके। उसके बाद लक्ष्मण गेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 4.5 लाख इंटू 1/30, तो 4.5 लाख को 1/3 करना हो तो कितना आता है, ये 15,000 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, 15,000, ठीक है जी। और दूसरा कौन है, भरत, तीसरा सॉरी दूसरा नहीं तीसरा भरत गेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 4.5 लाख इंटू 4/30, तो 4.5 लाख इंटू 4/30 करके आएगा ये आपका 60,000, 15,000 भी इसको डेबिट हो जाएगा
और ये 60,000 इसको डेबिट हो जाएगा, ये 15,000 है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। तो ये रहा इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगानी है, दो एंट्री है इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना आप लोग भी, दो एंट्रीज पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा जर्नल, एट्थ सॉल्यूशन ऑफ एट्थ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड है जी, ठीक है। ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो पहले तो 2024 1 अप्रैल को हमें क्या करना है, पुरानी गुडविल ख़त्म कर देते हैं। नाम क्या उनके, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट और भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू क्या आएगा, गुडविल, पुरानी गुडविल कितनी है बच्चों, 75,000 की, वो 75,000 की गुडविल ओल्ड रेशो में ख़त्म कर देनी है। बीइंग ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। और ओल्ड रेशो कितनी है, 5 by 10, 3 by 10, 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10, यही है ना। हाँ, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि इस रेशो में करना है, गलती से सेक्रीफाइस रेशो में मत कर देना, ना ही ओल्ड रेशो में, इन टू 5 by 10। ये आ गया 37,500, 37,500, और ये 75,000 into 3/10, ये आएगा 22,500, 75,000 into 2/10, 15,000, ये क्या आ गया, 15,000, ठीक है जी। तो अब ये आएगा, पुरानी गुडविल को हमने ख़त्म करना है, वो तो ख़त्म कर दिया, अब हमें नई वाली की जो वैल्यूड करी है उसकी सैक्रिफाइस गेन रेशियो एंट्री डालनी है। तो डेबिट किसको करेंगे, यहाँ लक्ष्मण को और भरत को, लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, दैट्स इट। और ये अमाउंट्स हमें कैलकुलेट करके रख लिए थे, सैक्रीफाइस किसको हो रहा है, उसको सैक्रीफाइस हो रहा है उसको 75,000 का, सैक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, 75,000, ऊपर वाले को इधर लक्ष्मण को कितना मिल रहा था, 15,000, और भरत को 60,000, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं एक बार एट्थ क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ सारा। ये देखो बच्चों, एट्थ क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले हमने क्या किया, सैक्रीफाइस गेन रेशो निकाल दी, फिर जो गुडविल वैल्यूड करी थी 4.5 लाख की, सैक्रीफाइसिंग और गेनिंग अमाउंट हमने वहाँ से निकाल लिए। जिसको सैक्रीफाइस हो रहा होता है उसको हमने क्रेडिट करना है, और जिनको गेन हो रहा होता है उनको हमने जर्नल एंट्री में क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमने ये एंट्री पास करनी है, उसके बाद हमने ये एंट्री पास करनी है, पहले तो पुरानी गुडविल जो 75,000 की है वो ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है जी, क्योंकि वो एसेट होती है गुडविल, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करके क्लोज करते हैं, और सैक्रीफाइस गेन रेशो में ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस तीनों कंप्लीट होते हैं, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन जो है और 9th और 10th वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है जी। गुड लक।